हेलो साथियों, जय हिंद। कि जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आने वाली जो वैकेंसियां हैं ना, राजस्थान में आने वाली जो वैकेंसियां हैं, उन वैकेंसियों पर इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। जो भी स्टूडेंट ओनली फॉर 12वीं पास करके आया, 10वीं पास करके आया, उनके लिए कौन कौन सी वैकेंसियों में मौका है, और जिनका सीईटी का पेपर नहीं बेटा है, जिनका सीईटी का पेपर बिल्कुल ही खराब गया है, उनका किन किन वैकेंसियों में मौका है, बस इन्हीं के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जो हाल ही में जो आरआईएसएफ की वैकेंसी रिलीज हुई है, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे, आरएससी के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर इस वीडियो में सारी जो चर्चा होगी वो ओनली फॉर पुलिस की वैकेंसी के ऊपर ही होगी। वैसे तो राजस्थान में इस साल में इलेक्शन का साल चुनावी साल है, और चुनावी साल में और भी विभागों में आपको वैकेंसियां देखने को मिलेगी, लेकिन जो ओनली फॉर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। आरएससी का पेपर आपका क्या, आराम से सीईटी का पेपर अच्छा गया है तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि आप सिविल पुलिस में भी फॉर्म भर सकते हो। साथ में अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरने के मौके दिए जाते हैं, जैसे कि इस वैकेंसी में दिए गए थे, पिछली वाली वैकेंसी में दिए गए थे एक से ज़्यादा फॉर्म भरने के मौके, दो दो तीन तीन जगह से फॉर्म भरने के मौके दिए गए थे, तो वो जिला पुलिस साथ में आरएससी आरआईएसएफ सभी जगह से भर सकता है। लेकिन ओनली फॉर जिनका सीईटी का पेपर खराब है, ओनली फॉर वो आरएससी या आरआईएसएफ की ही वैकेंसी देखने की कोशिश करेगा, उनके लिए क्या मौके हैं भैया? तो जो ओनली फॉर अभी 10वीं पास करके आया है उसके पास क्या मौके हैं, और जिनका सीईटी का पेपर खराब हो गया उनके पास क्या मौके हैं पुलिस की वैकेंसी को लेकर के? तो आरएससी और आरआईएसएफ दोनों की अगर वैकेंसियों की अपन बात करें, तो आरआईएसएफ में तो 2000 पदों की स्वीकृति मिल ही चुकी है, और आरएससी की जो ये वैकेंसी आने वाली है ना, पुलिस वाली वैकेंसी, इसमें भी 2 से 3 हज़ार पद, यानी कि दोनों वैकेंसियों को मिलाकर के 5000 के आसपास में पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। तो 5000 के आसपास में अगर यहाँ पे आरएससी और आरआईएसएफ दोनों में अगर पोस्टें देखने को मिलती है, और एक से अधिक फॉर्म आपको भी भरने का मौका मिलता है, तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो जिला पुलिस वाले हैं ना, जिनका सीईटी का पेपर अच्छा गया है, उनको तो मौका मिलेगा, क्योंकि जिला पुलिस में वैकेंसी आरआईएसएफ और आरएससी से ज़्यादा वैकेंसी आएगी, इन दोनों की वैकेंसी आएगी ना, उनसे भी ज़्यादा वैकेंसी जिला पुलिस में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी कुल मिला के अगर बात करें अपन, भाई जिनका सीईटी का पेपर बिल्कुल ही खराब गया है, तो वो इन दोनों वैकेंसियों की तैयारी अच्छे से कर सकता है। सिलेबस में क्या कोई अंतर है, फिजिकल में क्या कोई अंतर है? तो सिलेबस में कोई भी अंतर नहीं है, ओनली फॉर इसका पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा इजी आता है। जैसा कि अभी बार जिला पुलिस में अपन ने देखे थे कि जो पहले शिफ्ट में जिनकी एग्जाम्स थी, जो पहले जिनका पेपर हुआ, फिर उनके बाद में लास्ट वाली शिफ्टों में आरएससी के पेपर हुए, तो आरएससी के पेपर ईजी आए थे अकॉर्डिंग टू जिला पुलिस, यानी कि जिला पुलिस के मुकाबले आरएससी के पेपर ईजी आए थे। लेकिन जो सिलेबस है ना, आपका सिलेबस सेम ही रहने वाला है दोनों का, आरआईएसएफ देख लो आप, आरएससी देख लो, चाहे जिला पुलिस देख लो, इनका सिलेबस है वो सेम ही रहने वाला है तीनों का। पेपर का जो लेवल रहता है वो थोड़ा सा ईजी कर देते हैं पेपर के लेवल में, यानी कि थोड़े ईजी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, वही प्रोसेस रहने वाला है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो सेम ही रहेगा आपका। फिजिकल तो तीनों में सेम ही रहता है, आरआईएसएफ ले लो, आरएससी ले लो, या जिला पुलिस ले लो, फिजिकल सेम रहता है, मेडिकल सेम रहता है, सिलेबस सेम रहता है। ओनली फॉर योग्यता में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो योग्यता जिनकी 10वीं पास है वो भी फॉर्म भरने का उनको भी मौका मिलेगा आरआईएसएफ और आरएससी में। और पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा और डिपार्टमेंटों में तो आपको जाना है, यानी कि शिक्षा विभाग में बड़ी वैकेंसी आएगी, एलडीसी में भी बड़ी वैकेंसी आएगी, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, एलडीसी की वैकेंसी, इनमें भी बहुत बहुत वैकेंसी आएगी। लेकिन जो स्टूडेंट अभी मेरे से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर होमगार्ड्स की भर्ती को लेकर के, जो होमगार्ड की भर्ती चल रही है उसको लेकर के स्टूडेंट काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं पर्सनली ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप होमगार्ड की तैयारी के साथ साथ में इनकी तैयारी ज़रूर करें। जो होमगार्ड की तैयारी कर रहा है वो इनकी भी तैयारी जरूर करें, क्योंकि मौका कहीं पे भी आपको मिले, आपको पैसे भी 2023 में अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इलेक्शन के 2-3 साल बाद तक आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसीलिए हर जगह से आपको मौके तलाशने चाहिए, सिलेक्शन का भरपूर प्रयास करना चाहिए, अच्छी तैयारी आपको करनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था आरएसएफ आरएससी और जिला पुलिस में, जो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।